हेलो बताइए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पिछले 1 घंटे से मैम होल्ड पे था। मैम बहुत टाइम लगता है आपसे बात करने को, कई दिन से ट्राई कर रहा था। मैम मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ गवर्नमेंट की जो भी स्कीम योजनाएं निकल कर आता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि सर ई श्रम कार्ड पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं और तरह तरह के लोग यहाँ पर वीडियो बना कर डाल दे रहे हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है, कुछ वीडियो ये भी आया है कि ई श्रम कार्ड अगर आप बना लेते हैं तो आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा। तो कई वीडियो ऐसे भी हैं जिसमें रोज़गार की बात कही गई है। तो मैं चाहता हूँ मैम कि अपने तरफ से आप क्लियर हमारे ऑडियंस को बता दें कि आखिर जो ई श्रम कार्ड है वो किस तरीके से काम करता है और इसके जो बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, वो क्या हैं। अभी एक्चुअली मैं आपको ना बहुत शॉर्ट में बात बता सकती हूँ। जी 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 2 से 3 मिनट में आप वेट करना में पड़ा बता है। दें। जी जी हाँ जी सर, क्योंकि आपको भी वेट करना पड़ रहा है, मैं एक प्रोसेस बता देती हूँ आपको जिस तरह से होगा ये, जी क्योंकि बाकी फिर कॉल्स बहुत सारी वेटिंग में चली जाती है जिनको सच में बनाना है। जी जी मैं तो पिछले दो आपको घंटे बता से देती वेटिंग हूँ में हूँ एलिजिबिलिटी उसमें। क्या है। हाँ जी सर, मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। जी सर बेसिकली ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास जो है आपकी उम्र जो है एज है 16 से 59 के बीच में होनी चाहिए। जी इसके अलावा अगर आप PSIC या EPFO के मेंबर हैं तो आप ये कार्ड नहीं बना सकते हैं, जी या अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो भी आप ये कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। जी तो कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जी सर कार्ड बनाने के लिए हमारे पास एक पोर्टल है, वो पोर्टल मैं आपको बता देती हूँ, वो है register.ishram.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर सर जो भी लोग हैं वो अपने आप को सेल्फ रजिस्टर करा सकते हैं। जी इसके अलावा सर वैसे ये जो कार्ड भी है बहुत सारी जगह बन, जैसे हमारे जगह जगह पर CSEs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जन सुविधा केंद्र हैं, तो वहां पर जाकर भी ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। जी कार्ड बनाने का और अगर प्रोसेस हम बात करें, मैंने बता दिया है, कार्ड बनाने का प्रोसेस बता दिया है मैम। सिर्फ आप इसके बेनिफिट्स बताएं, फायदे क्या हैं, क्यों लोग इस कार्ड को बनवाएं। सर बेसिकली ना अभी सरकार एक तो ये है कि जो PM सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत 2 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो हो जाता है जो भी इसमें रजिस्टर कराता है। जी और उसके बाद सर उसका जो पहले साल का प्रीमियम है ना वो सरकार की तरफ से जाएगा, वो भरने की जरूरत नहीं है। जी इसके अलावा सर जो दूसरी चीज है वो ये है कि अभी सरकार ना जब अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, यानी आपने देखा होगा वहाँ लिखा हुआ है, जी, डेटाबेस जी, लिखा हुआ है, जी, अभी यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डेटाबेस के आधार पर ही, इसी पर डिपेंड होकर हम जो है आगे जाके सरकार स्कीम्स बनाएंगी, तो उन स्कीम्स का बेनिफिट जो है वो उन लोगों को मिलेगा जो यहाँ रजिस्टर्ड होंगे, यानी उन लोगों के लिए बनेगा जो यहाँ रजिस्टर्ड होंगे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अभी सिर्फ सर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी किसी भी प्रकार की जो है अकाउंट में पैसे आने या जॉब लगनी या फिर पेंशन इस तरह की कोई भी चीज जो है अभी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। जी, यही चीज़ था मैम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर हमारा पेंशन आएगा, हमारा जो है नौकरी लग जाएगा, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं सर है सरकार की तरफ से इस तरह अपडेट की, में। तो सिर्फ इस और तरह सिर्फ की अभी डेटा लिया अभी जा कुछ रहा है। नहीं है सर, अभी सर डेटा लिया जा रहा है, इसी के बेसिस पे आगे स्कीम्स आएंगी, वो बहुत जल्दी जो है पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। कई लोगों का सर थोड़ा सा मैम ये भी सवाल है कि हम जो अकाउंट नंबर यहाँ पर बैंक डिटेल्स दे रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अकाउंट से बैंक से पैसे काट लिए जाएंगे। नहीं सर ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी किसी के लिए पैसे काटे जाए, इसलिए सर। सर बाकी मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपसे ज्यादा लंबी कॉल नहीं कर जी सकती, जी जी क्योंकि मैम बहुत एक्चुअल में जिन लोगों के लिए ये खोला गया है हेल्प डेस्क उन लोगों को जरूरत होगी। सो सर थैंक यू सो मच जी जी मैम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने, बेसिकली यहाँ पर मैं पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा था, मेरा कॉल होल्ड पे था, ठीक है। तो ऐसे तो मैं 3-4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो इस पर नहीं बना रहा हूँ ऑनलाइन करके। सो आपने कंप्लीट जान लिया कि ये जो ई श्रम कार्ड है जिसको UAN कार्ड कह रहे हैं, ये कोई बेनिफिट वाला कार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कार्ड को आप बना लोगे तो आपको जॉब लग जाएगा या आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे या आपको पेंशन की सुविधा मिलेगी या आपका रोज़गार लग जाएगा या 60 साल के बाद आपको लाभ मिलेगा। कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के यहाँ पर बात लोग अपनी तरफ से कह दे रहे हैं कि भैया ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बीमा है और सरकार आपके डिटेल्स, आपके डेटा को कलेक्ट कर रही है। फ्यूचर में हो सकता है कि सरकार आपको कोई बेनिफिट दे, हो सकता है।
अगर बेनिफिट देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा लिया जा रहा है जिसके माध्यम से सरकार को पता चल सके कि आप मजदूर हैं, भैया मजदूर कह रहे हैं लेकिन आपके अकाउंट में कितना पैसा रह रहा है, कब कब आप कहां कहां पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, आप कितने संपत्ति के मालिक हो, ये सारा ब्यौरा वहां पर आपको देना पड़ता है। आपका बैंक का डिटेल्स ले लिया जाता है तो जिसके माध्यम से सरकार को भाई इजिली पता चल पाएगा कि आपका जो इनकम है वो कितना है। फ्यूचर में अगर सरकार चाहे तो आपको रोजगार देगी, लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ से बताऊं, सरकार यहाँ पर अगर मौजूदा सरकार की हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे सरकारी जो निजी जिसमें नौकरी लगता था लोगों का, जैसे सरकारी जो संपत्ति थी, जैसे अपना भारतीय रेल हो गया, भारतीय अपना इंश्योरेंस हो गया, LIC का इंश्योरेंस हो गया, BSNL हो गया, कई ऐसे कंपनीज हो गए, दिल्ली का लाल किला हो गया, तो ये सब जो सरकार है वो अपनी संपत्ति को ही प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये तो आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। और आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो भी सरकारी नौकरी है वो पिछले कई साल के अगर मुताबिक हम आज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नौकरी सरकारी कम हो रहा है, क्योंकि सरकार ही यहाँ पर सरकारी संपत्ति को प्राइवेट के हवाले कर दे रही है। तो ऐसे में आप ये आस लगा करके बैठो कि हम यहाँ पर UN कार्ड लगा लेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगा, तो भैया यहाँ पर करोड़ों लोग इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर रहे हैं, UN कार्ड बना रहे हैं, तो आपको लगता है यहाँ पर कि सरकार करोड़ों लोगों को एक साथ रोजगार देगी? मुझे तो नहीं लगता। वैसे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो बेसिकली अभी जो करेंट में आपका फ़ायदा है कि UAN कार्ड से आपको यहाँ पर इंश्योरेंस, जैसा कि मैम ने बताया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि आम तौर पर आपके बैंक में, आपके Airtel में आप अकाउंट ओपन करवाते हो Airtel थैंक्स ऐप पर, तो उस पर भी आपको 5 लाख का बीमा कवर मिल जाता है। तो ज़िंदगी में जब पैसा नहीं मिला तो ज़िंदगी के बाद पैसा मिलके क्या होगा, ऐसा कुछ लोगों का भी मानना है। बहरहाल अगर इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान सब कुछ हमने आपको बता दिया, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ये श्रम कार्ड बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो। लेकिन अगर लेबर मजदूर हो, चाहते हो आप, तो यहाँ पर असंगठित जो श्रमिक हैं, जिसके कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, नाई, बार अपना बढ़ई, मिस्त्री, वेल्डर, हेल्पर, मजदूर, ईंट भट्टा में काम करने वाले लोग, तो ऐसे लोग कर लीजिए भैया, उनके अकाउंट में क्या पैसे रहेंगे, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये। लेकिन आप कहीं आयकर पे कर रहे हो, आप कहीं भी कुछ है, आपका खाता दिख रहा है पैसा बहुत है, तो फिर आप भैया ये श्रम कार्ड को जो है ऑनलाइन करके बना करके दिक्कत हो सकता है आपको। तो होप कि बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद ये वीडियो मैंने आपको दिया, पसंद आया होगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को और फ्रेश टॉपिक के साथ। अगर ई श्रम कार्ड कैसे बनाए इस पर ऑनलाइन आप वीडियो चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।